हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम क्या हमारी ये सीरीज चली हुई है कि भाई कौन से बच्चे सैनिक स्कूल में पेपर दे सकते हैं, कौन से मिलिट्री स्कूल में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को हम पूरा कवर कर चुके हैं, RIMC का कवर कर चुका। अभी मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ आपका सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल कंडक्ट कराती है कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए। उसमें 33 सैनिक स्कूल है, 18 और एक 19 प्राइवेट सैनिक स्कूल है। इनको मिला के पूरा ये एग्जाम कंडक्ट होता है कक्षा 6 के लिए, कक्षा 9 के लिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में होना चाहिए। कोई कहता है कि मैं तो देखता हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट भी आते हैं, जैसे माने चलो किसी के बच्चे कोई कहता है सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2022 है, क्या वो पेपर दे सकता है? भाई देखो 22 का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चा 1 साल का है, 1 साल का तो क्या पेपर देगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है किसी पेरेंट्स के बच्चा 10वीं में चला जाता है, वो सोचता है कि सर मेरे पास और क्या मौके हैं। तो पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ देखने वाले हैं कि कक्षा 6 और कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराता है उसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें कौन से बच्चे अपियर हो सकते हैं, किस क्लास में बच्चा पढ़ना चाहिए और क्या उसकी एज होना चाहिए। भाई दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बस तीसरा कोई नहीं मैटर करता ही, क्लियर। दो फैक्टर मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम होती है, कि किस क्लास में बच्चा होना चाहिए और कौन सी डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्लियर। तो किस उम्र और कक्षा, कौन सी उम्र और कक्षा के बच्चे सैनिक स्कूल का पेपर दे सकते हैं, चलिए देखते हैं भाई। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि देखो आपकी मंजिल क्या है, आपकी मंजिल सरकारी सैनिक स्कूल में अगर जाने की है, अगर आप सरकारी सैनिक स्कूल में जैसे RMS RIMC सैनिक स्कूल 33 UP सैनिक, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोग आपकी बेहद, ये चैनल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हाँ एक और है, अगर आप प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो तो मेरा मानना है ये यूट्यूब चैनल भी मत देखना, बस आखिरी के 4 या 5 दिन बस किताब देख लेना, कुछ तुक्के लगेंगे, कुछ वहाँ पे वैसे हो जाएगा, कुछ भगवान साथ देगा आपका और आपको 120-130 नंबर मिल जाएंगे, हो जाएगा एडमिशन वहाँ पे। तो ठीक है, इसमें मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, और ऐसा हो रहा है इस बार, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 19 ही प्राइवेट सैनिक स्कूल आए हैं, तो अगले साल तक ये 100 हो जाएगा नंबर, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो फिर तो आपको पता, जब 19 सैनिक स्कूल में आपका 130-120 वाला एडमिशन हो रहा है तो 100 में तो आप उम्मीद लगा सकते हैं ना, सबका ही होना है। तो हमारा काम है सरकारी सैनिक स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो हम लोग भी भाई, और वो है भी जरूरी भी है, सही भी है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। चलो तो हम देखते हैं अभी आपके सामने, चलो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं कक्षा 6 की बात करूँगा, मैं क्या बात करूँगा, पहले मैं लिख रहा हूँ पर क्लास 6 की, ठीक, मैं क्लास 6 की बात करूँगा, क्लास 6 की, क्लियर, क्लास 6 की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लास 6 में सब दो फैक्टर हैं भाई, क्या होनी चाहिए, एक तो बात आती है एज की और दूसरा उसकी आती है एजुकेशन की। एजुकेशन का क्या मतलब क्या हो गया, एजुकेशन का मतलब हो गया कि वो कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ना होना चाहिए। भाई कोई कहता है 4थी में होना चाहिए, 5वीं, नहीं, आपका बच्चा, जो हमारा बच्चा है जो पेपर देने जाएगा, या तो वो कक्षा 5 में, लिख रहा हूं साफ साफ, या तो वो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या कक्षा 5 पास कर चुका हो, ठीक, या तो पास कर चुका हो या स्टडिंग, मैं यहां पे स्टडिंग लिख रहा हूं, ठीक, ये तो हुआ क्लियर, या तो वो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या वो कक्षा 5 पास कर चुका हो, दोनों चीजें, दोनों बातें एलिजिबल हैं, दोनों बातें ओके, लेकिन साथ में एक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, अभी जब आपका एग्जाम होगा 2024 में, 7 जनवरी, 9 जनवरी, 5 जनवरी, फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूं, क्योंकि वही जरूरी है अभी। तो फर्स्ट अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014, और ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी लागू हैं, ये दोनों भी ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014, और ये दोनों भी मान के चलो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 ही है तो वो भी चला जाएगा, और किसी की 31 मार्च है वो भी चला जाएगा, इनके बीच में तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डेट ऑफ बर्थ होगी और ये क्लास होगी, ये कक्षा 6 की बात हो रही है उस एग्जाम की, जिसको AISS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस एग्जाम का क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस एग्जाम का, इसका नाम है AISS, ऑल इंडिया सैनिक
सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और लगा देते, लेकिन AISS भी सफिशियंट है। इसको बोलते हैं ये AISSEE, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई सबको, अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं बचता ये बात को, बस ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में, अभी आएंगे हम नेक्स्ट वाले में। अब देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए भाई, इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं क्लास नाइन्थ की, क्लास नाइन्थ। इसको भी कौन कराता है, AISS कराता है, उसको भी AISS ही बोलते हैं, ठीक है। गर्ल्स इसमें नहीं परफॉर्म, अभी गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती, गर्ल्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर वैकेंसी आएगी तो तब की तब देखें, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, जिसका एग्जाम कब है आपका, 7 जनवरी है, जैन के फर्स्ट, जैन 2024 लिख रहा हूं मैं, जैन 2024 में एग्जाम होगा। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए है दो तरह की एलिजिबिलिटी, वन इज एज और दूसरा है आपका एजुकेशन, एज और इधर है आपका एजुकेशन, ठीक। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, बच्चा 8वीं में पढ़ रहा हो, 8th स्टडिंग या 8th पास, ठीक, या तो 8th पास हो या 8th स्टडिंग हो, दोनों ओके है। ये बात हो गई पहली। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरी है भाई आपकी एज। तो एज क्या होनी चाहिए आपकी, आपकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2009 से, आपकी होनी चाहिए 31 मार्च 2011, ये डेट ऑफ बर्थ है। और ये दोनों भी लागू हैं, मतलब ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ठीक। तो ये होनी चाहिए भाई इसकी एलिजिबिलिटी, क्लियर। ये दोनों बातें हो गई भाई, ठीक है। अब मुझे लगता है कोई डाउट यहाँ पे आपको अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ साफ स्पष्ट हो गया कि कौन से बच्चे सैनिक स्कूल जो NTA एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके कक्षा 9 के पेपर में बैठ सकते हैं, गर्ल्स के लिए एलिजिबल नहीं है, और बॉयज़ में डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए और एजुकेशन ये होनी चाहिए। इसके अलावा ये बैठेंगे किस एग्ज़ाम में, ये बैठेंगे जैन 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में NTA जिसको कंडक्ट कराता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन दो एग्ज़ाम की, कौन सी, प्रहार बैच की, प्रहार बैच के थ्रू आप RIMC के ऑनलाइन बैच को कवर, RIMC का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में उसका टफ लेवल आएगा इस बार, तो उसके हिसाब से तैयारी इसमें कराइए कि लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है हमारा प्रतिज्ञा बैच, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए स्पेशल बैच है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन बैच है, 1 जुलाई से इसमें स्टार्ट हो जाएंगे क्लास, क्लियर। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों बैच को ज्वाइन करने के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, हमारे जो एजुकेशन काउंसलर है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे सारा सिलेबस इसमें कराया जाएगा, क्लियर। तो ये जो नंबर है आप इसको नोट करके यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस नंबर पर डायल करके आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 9528271121, ठीक। ये हमारा ये नंबर है, दो नंबर है हमारे, इन दोनों पे डायल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि कैसे आप तैयारी करेंगे, अंडरस्टूड। मुझे लगता है यहां से अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए इसको लेके भाई। देखो आप देखेंगे भाई, आपकी मैं बार बार कहता हूँ आपकी मंजिल क्या है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, सरकारी सैनिक स्कूल में जाने की सबकी बेसिकली तमन्ना होती है, सबका टारगेट वहीं पे है। और फिर जब इसका नहीं होता तो फिर मजबूरी में तो देखो कुछ भी करना पड़ता है, मजबूरी में तो प्राइवेट भी ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। वो ऐसी हार्ड एंड फास्ट मजबूरी नहीं होती, उसके लिए फिर ऑप्शन और भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, करना कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन, सबसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है। ये हमारी ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे डायल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।